डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज लेसन टू ऑफ फेलो ट्रेवलर एक्सपान यात्री नामक पाठ में अब आप परसेंट फॉर एक्सप्लेनेशन व्याख्या के लिए गद्यांश इसको समझ रहे हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश का प्रसंग के लिए संदर्भ के साथ व्याख्या कीजिए। आपको ये जैसे गद्यांश दे दिया, यू कैन सी से लेके इवेंट हो रहा था, जो कि मैं पैराग्राफ रीडिंग के अंतर्गत जिसकी हिंदी में बता दिया था, और मैं फिर अभी इसका बता देता हूँ हिंदी, और इसके बाद तब इसी गद्यांश का आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और फिर एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, यानी एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो देखिए, यू कैन सिंग और डांस और टू स्टेप और प्रैक्टिस और गोल्फ स्ट्रोक, तुम नाच सकते हो या गा सकते हो, तुम गा सकते हो या एक दो कदम नाच सकते हो। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस ए टू स्टेप या एक दो कदम नाच सकते हो, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक या एक गोल्फ स्ट्रोक का प्रयास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स या कंचे खेल सकते हो ऑन द फ्लोर विदाउट मेजर हिंड्रेंस, बिना रुकावट या बाधा के फर्श पर या कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और सच इट, तुम खिड़की को खोल सकते हो या इसे बंद कर सकते हो विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के आह्वान के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में तुम स्वतंत्रता के एक त्योहार के रूप में उन्हें खोलना या बंद करना जारी रख सकते हो खिड़कियों को। You can have any corner you choose and try all of them in turn. तुम कोई भी कोना रख सकते हो अपने पसंद का जिसे तुम चुनते हो, और तुम उनमें से क्रम में कोई भी कोशिश उनमें से सभी को कोशिश कर सकते हो प्रयोग करने का। You can lie at full length on the cushions. तुम गद्दों पर पूरे लंबाई में लेट सकते हो and enjoy the luxury of breaking the regulations, और तुम नियमावलियों को तोड़ने के ऐश्वर्य का भी आनंद ले सकते हो, and possibly the heart of Dora, और संभवतः डोरा के भी हृदय को, डिफेंस ऑफ द रेलम एक्ट है ना, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो अधिनियम है डोरा, उसके भी हृदय को तुम तोड़ने का आनंद ले सकते हो। हर सिर्फ खुद ओनली डोरा विलन टू नो दैट, केवल डोरा भी नहीं जान पाएगी कि हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम फिर भी डोरा से भी बच चुके हो। तो इस प्रकार से ये आपको पैसेज यहाँ से यहाँ पर हिंदी पुनः मैंने बताया। आप देखिए रेफरेंस में लिखना है संदर्भ में कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर एंड रिटन बाय एडी कार्डिनल, यह गद्यांश लिया गया है पाठ एक सहयात्री से और एडी कार्डिनल द्वारा लिखा गया है। ये रेफरेंस में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया गया, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग में क्या लेखक वर्णन करता है वो लिखा जाता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट हो गया कि हियर यहाँ इन एबव पैसे ऊपर के गद्यांश में इस गद्यांश में द राइटर डिस्क्राइब्ड, लेखक वर्णन करता है द प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के सुखद भावना का, एलोन बिग एलोन अकेला होकर इन द कंपार्टमेंट ऑफ एनी पैसेंजर ट्रेन, किसी पैसेंजर ट्रेन के डब्बे में अकेला होने के स्वतंत्रता के सुखद भावना का लेखक जो है इस ऊपर के गद्यांश में यहाँ वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन है व्याख्या, अब व्याख्या का मतलब किसी प्रोसेस की जो ये लाइन है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। तो देखिए यहाँ व्याख्या में जाएगा द राइटर सेज है, लेखक कहता है कि बीइंग अलोन इन एनी पैसेंजर ट्रेन कंपार्टमेंट, किसी पैसेंजर ट्रेन के डब्बे में अकेला होने पर एनी वन कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ही कैन सिंग, वह गा सकता है। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। ही कैन प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, वह एक गोल्फ स्ट्रोक का प्रयास कर सकता है, अभ्यास कर सकता है। ही कैन प्ले मार्बल्स विदाउट ऑब्स्टिकल, वह बिना बाधा के कंचे खेल सकता है, गोलियां खेल सकता है। ही कैन ओपन और शट द विंडो, वह खिड़की को खोल या बंद कर सकता है विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध के। ही कैन लाई ऑन कुशन्स एंजॉयिंग द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ डोरा, और वह जो है डोरा के हृदय को भी तोड़ने के ऐश्वर्य का आनंद ले सकता है। गद्दों पर वह लेट सकता है,
दैट विल नॉट नो, जो कि नहीं जान पाएगी जोरा भी भाव चुकी गुरु के नाम आकर अपने हृदय को थोड़े जाने के बारे में ही इज एबल टू एस्केप इवेंट डोरा, वह डोरा से भी बचने में समर्थ है। डोरा जो कि डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट है, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम, यानी कि वह उसको भी तोड़ सकता है व्यक्ति, और वह भी नहीं जान पाएगी डोरा भी उसका एक ने तोड़ा गया है। दस अकॉर्डिंग टू द राइटर, इस प्रकार से लेखक के अनुसार सच एक फ्री पर्सन, ऐसा एक स्वतंत्र व्यक्ति, सच ऐसा एक फ्री स्वतंत्र पर्सन व्यक्ति, विंग एलोन अकेला होकर इन कंपार्टमेंट डब्बे में, इन एबल टू डू करने में सक्षम है एनीथिंग, कुछ भी विच ही लाइक्स जो वो पसंद करता है। नो वन विल प्रिवेंट हिम टू डू सो, तेरे विद्यार्थियों यहाँ पे है लास्ट लाइन, नो वन विल प्रिवेंट हिम, कोई नहीं उसे रोकेगा टू डू सो ऐसा करने से। तो इस प्रकार मेरे अपनों, ये आपका व्याख्या भी हो गया रिफरेंस कांग्रेस के बाद। अब इसके बाद इसमें इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके।